नमस्कार दोस्तों, आज एपी के इस भाग पार्ट टू में जो है हम एनसीईआरटी की क्लास टेंथ से रिलेटेड क्वेश्चन करने जा रहे हैं, जिसमें एनथ टर्म के फॉर्मूले को यूज़ करके उस पर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। और इस तरह के मैं आपको 13 क्वेश्चन जो है डिफरेंट टाइप के कराऊंगा, और कोई भी क्वेश्चन एक दूसरे से मैच नहीं होगा, सारे डिफरेंट होंगे और उनको आसान तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। अगर आपने मेरा चैनल द मैथ्स गुरुदेव सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसी तरह के वीडियो और इस तरह की सीरीज अलग अलग क्लासों की पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो फाइंड द 12th टर्म, 24th टर्म एंड nth टर्म ऑफ एन ए पी गिवन बाय 9, 13, 17, 21 एंड 25। तो इस ए पी की जो दे रखी है इसकी 12वीं, 24वीं और nth टर्म निकालनी है। तो यहाँ देखिए, ए पी में फर्स्ट टर्म जो है वो 9 है और डी जो है कॉमन डिफरेंस जो है वो 13 माइनस 9 यानी कि 4 है। तो 13 माइनस 9 4 होने की वजह से ये आ गया आपका कॉमन डिफरेंस। अब आपको जो है, क्योंकि 12वीं टर्म निकालनी है तो यहाँ पे n जो है वो 12 है, तो और 24वीं जब टर्म निकालेंगे तो n कितना होगा, 24, और nth टर्म में वो n ही रहेगा। तो जो जनरल फॉर्मूला है nth टर्म का वो है an = a + n-1(d). तो n की जगह 12 रखेंगे तो a 12 आएगा, a की जगह 9 रख दिया और n की जगह 12 रख दिया, और d की जगह जो है हमारा कॉमन डिफरेंस 4 हमने रख दिया। तो आप देखिए हमारे पास क्या आया कि 9 है और 12 में से 1 गया 11 × 4, तो वो कितने हो गए 44, और 44 और 9 को ऐड करेंगे तो हमारे पास 53 यानी कि 53 आएगा। तो इसका मतलब जो 12th टर्म है वो 53 है। अब 24th टर्म निकालते हैं, तो 24th टर्म निकालने का मतलब ये नहीं है कि 12th टर्म को डबल कर दें, ऐसा नहीं होता एपी में कि आप जो है 12 × 2 = 24 हो जाएगा, इस बात का ध्यान रखिए। आपकी सब टर्मों की वैल्यू अलग अलग होगी। तो ये 24 निकालने के लिए आपके पास a वही रहेगा 9, d भी वही रहेगा 4, खाली n बदल जाएगा, वो हो जाएगा 24। तो यहाँ पर देखिए 24 में से 1 कम हो गए तो 23 हो गए, उसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 23 × 4 हो जाएगा 92। तो 92 में 9 प्लस करेंगे तो आपका आंसर आएगा 101, यानी कि 24वीं टर्म जो है वो 101 है। अब देखिए nth टर्म निकालने हैं, आप चाहते तो इसको पहले भी निकाल सकते थे और फिर आपको इजी हो जाता कि उसमें 12 और 24 सिर्फ n की जगह आपको रखना पड़ता। तो आप देखिए यहाँ a जो है n माइनस a की जगह 9 रख दिया और d की जगह 4 रख दिया। n की वैल्यू नहीं रखेंगे, जनरल टर्म में n अननोन होता है क्योंकि वो सबके लिए लिया जाता है। तो यहाँ देखिए आपकी जनरल टर्म जो बन गई वो 4n + 5 हो गई। अगर इस फार्मूले में आप 12 रख देंगे तो 48 + 5 53 हो जाता है। देखिए आप उस तरह से भी कर सकते थे। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है, द फर्स्ट टर्म ऑफ एन ए पी इज -7 एंड द कॉमन डिफरेंस इज 5, फाइंड द 18th टर्म एंड द जनरल टर्म, यानी कि किसी समांतर श्रेणी की पहला पद जो है -7 है और सार्वंतर जो है 5 है, तो उसकी 18वीं टर्म और जनरल टर्म यानी के ए एन निकालना है। तो ए जो है यहाँ पे प्रथम पद जो दे रखा है वो -7 दे रखा है, डी सार्वंतर कितना दे रखा है 5, और ए 18 जो है आपको निकालना है और जनरल टर्म निकालनी है यानी के ए एन निकालना है। तो ए एन का जो फार्मूला है वो आपके पास क्या है, a + n-1 और d। तो इधर देखिए a जो है आपके पास -7 है, n क्योंकि हम जनरल टर्म निकाल रहे हैं तो सेम वैसे ही रहेगा पिछले क्वेश्चन की तरह, और d की जगह यह है हम प्लस के 5 रख देंगे। तो यहाँ पर जो है आपके पास ये हो गया -7 और प्लस के 5 से n को करेंगे तो 5n और माइनस के 1 से करेंगे तो 5 आ गया। तो कुल मिला के ये हो गया 5n - 12। तो ये आपकी जनरल टर्म आ गई। अब इस जनरल टर्म में आप चाहें तो 18 n की वैल्यू 18 रख के आप इसको डायरेक्ट निकाल सकते हैं, या चाहें तो फार्मूले को दोबारा भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अननेसेसरी टाइम वेस्ट करने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो आप जो है इसको इस तरह से निकाल लीजिए कि n की जगह 18 रखिए दोनों साइड, तो यहाँ भी n की जगह 18 आ जाएगा और इसमें 12 माइनस करना है। तो 18 को 5 से करेंगे तो 90 आएगा, और 90 में से 12 माइनस होंगे तो 78 जो है हमारा आंसर आ जाता है। इसका मतलब 18वां पद जो होगा वो 78 होगा यानी कि 78 होगा। आशा है आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा।
अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। वो कह रहा है कि ये जो सीरीज दे रखी है 4, 9, 14 और डॉट 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 254, इसमें जो है अंत से यानी कि अंतिम पद से एंड से दसवां पद निकालना है। तो यानी कि हमारे को इस प्रश्न में उसने शुरू से दसवां पद पूछता तो बहुत आसान था, एन जो है 10 हो जाता, लेकिन अंतिम पद से 10 पूछा है। तो इसको जो है मैं दो तरीके से इस सवाल को किया जा सकता है, मैं आपके सामने जो दोनों ही तरीके कराऊंगा। तो पहले हम जो है शुरू के एक तरीका तो यह है कि हम ए 4 को जो है प्रथम पद माने यानी कि फर्स्ट टर्म माने, और दूसरा तरीका है कि 250 सीरीज को उल्टा कर दें और इसको 254 को फर्स्ट टर्म मान लें और 4 को लास्ट टर्म मान लें। तो पहले हम जो है इसको सीधे तरीके से ही करते हैं। तो ए जो है उसमें 4 मान लिया और डी जो है कितना हो जाएगा 9-4 यानी कि 5 हो गया, और लास्ट टर्म जो है वो कितनी है 254। तो ए एन कह लो या इसको लास्ट टर्म कह लो, ये 254 है जो हमारे को, क्योंकि अंतिम से दसवां पद निकालना है तो हमारे को इस समांतर श्रेणी में कुल कितने पद हैं वो भी पता होने चाहिए, यानी कि एन हमारे को निकालना है। तो हमारे को जो है बाकी तीन चीज़ें दे रखी हैं, प्रथम पद दे रखा है, सार्वंतर दे रखा है और जो है अंतिम पद दे रखा है। हमारे पास जो अज्ञात चीज़ है वो है पदों की संख्या। तो हम इसका जनरल फार्मूला यहाँ पे रख देते हैं और ए एन की जगह 254 रख देंगे और ए की जगह 4 और एन माइनस 1 और डी जो है 5 है हमारे पास। तो आप देखिए 4 जो है 254 में से कम होगा तो वो कितने हो जाएंगे 250, और 5 एन माइनस 1 हो जाएगा। 5 जो पहले दाईं तरफ लिखा हुआ था उसे मैं आगे ले आया ताकि अब 250 को 5 से भाग करते हैं तो 50 आता है, यानी कि n माइनस 1 50 हो गया। तो n कितना हो जाएगा 50 जमा 1 यानी कि 51, यानी कि इस श्रेणी समांतर श्रेणी के अंदर या अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन के अंदर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो हैं यानी कि पदों की संख्या 254 है। तो अब हम जो है क्योंकि अंत से दसवां पद निकालना है तो हमारे को अंतिम पद पता लग गया कि वो 51 में है, तो उसमें से 10 घटा के 1 जोड़ना है। इस तरह से हमारे को 42वां पद निकालना। आप ऐसे नहीं करेंगे कि 51 में से 10 घटा दिए और जो है 41वां पद निकालेंगे, तो आपको एक और जोड़ना है उसमें 42वां पद निकालना है। तो a प्लस 42वां पद क्या हो गया, a प्लस 41d। तो 40d की वैल्यू रखी 5 और a की वैल्यू 4 रखी, तो ये आ गया 4 209 यानी कि 205 जमा 4 209। तो ये जो है हमारा 209 जो है पीछे से यानी कि लास्ट से दसवां पद है। अब जो है हम इसको एक दूसरे तरीके से करते हैं और ये तरीका जो है थोड़ा आसान है। आसान इसीलिए है क्योंकि इसमें आपको दोबारा दो बार मेहनत नहीं करनी पड़ती है, यानी कि n फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि n जो है आपको ऑलरेडी दिया हुआ है। और ये भी ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है कि 10 घटा के फिर 1 जोड़ना है, यानी कि वो सिंपल तरीके से ही हो जाएगा। तो इसमें इसको पहला पद मान लो a मान लो और 4 को जो है अंतिम पद यानी कि l मान लो। तो प्रथम पद जो है हमारा वो कितना हो गया 254। तो और जो है यहाँ पे an जो है या लास्ट टर्म जो है वो कितनी है 4। तो इसका मतलब ये अब ये एक डिक्रीजिंग सीरीज हो गई यानी कि घटती हुई श्रेणी हो गई। और d जो है यहाँ पे प्लस के 5 के बजाय माइनस का 5 हो जाएगा क्योंकि डिक्रीजिंग सीरीज में d जो है वो नेगेटिव होता है यानी कि माइनस में होगा। अगर जो है आप इसको इस तरह समझ सकते हैं, जैसे ये श्रेणी को मैंने पलट दिया तो यहाँ पे देखिए 4 में से 9 गए माइनस के 5 या 9 में से 14 गए तब भी माइनस के 5 ही आएंगे। तो आपको सिर्फ करना क्या है कि d का साइन बदल देना है, एक का साइन वही रहेगा और an जो है वो जो है क्या बन जाएगा a और a क्या बन जाएगा an, मतलब इनको पलट देना है और d का साइन पलट देना है। फार्मूला वही लगेगा an वाला। अब n की जगह 10 रख देंगे तो जो है ये 254 और n माइनस 1 जो है 10 में से 1 या 9 रह गया और d जो है माइनस 5 हो गया। तो देखिए इससे भी उत्तर 209 आता है। तो ये तरीका ज़्यादा आसान है, समय बचाने वाला है, तो आप इस तरीके से इस सवाल को कर सकते हैं। अब देखिए ये जो सीक्वेंस दे रखी है इसमें वो पूछ रहा है कि 124 जो है वो कौन सी टर्म है यानी कि n की वैल्यू क्या है। तो इसमें देखिए a जो है वो 4 दे रखा है और d जो है 9 में से 4 गए 5 हो गया। अब an जो है वो कितना है 124। अब हमारे को इस वाले में n की वैल्यू निकालनी है। अगर ये इस सीरीज का की कोई टर्म होगी तो n जो है वो होल नंबर में आएगा यानी कि पूर्णांक होगा। अगर नहीं आता है
तो पूर्ण संख्या नहीं आती है, तो इसका मतलब यह है कि वो इस श्रेणी का पद नहीं है, तो n भिन्न में नहीं आना चाहिए। तो यहाँ देखिए an की जगह मैंने 124 लिख दिया, a की जगह 4 लिख दिया और d की जगह 5 लिख दिया। तो सरल करने पर ये 124 में 4 गए 120 और 5 से जब इसको भाग लगाएंगे तो n माइनस 1 कितना हो जाएगा, 120 बटा 5 यानी कि 24, यानी कि n जो है 24 जमा में 1 25 के बराबर हो जाएगा। तो इसका मतलब इसमें 25 पद जो है 124 है, तो ये इसी का पद है। अब देखिए अब इस प्रश्न में को थोड़ा सा अलग टाइप का है, इसमें ये पूछ रहा है कि दो श्रेणियां दे रखी हैं, एक साथ 13-19 और दूसरी है 69-68-67, यानी कि एक इंक्रीजिंग सीरीज है और दूसरी डिक्रीजिंग सीरीज है। इसमें पूछ रहा है कि कौन से पद पे कौन सी टर्म पे दोनों की वैल्यू सेम हो जाएगी, यानी कि कोई ऐसी टर्म बतानी है जिस पे जो दोनों में एक जैसी आए, कोई सी अभी वैल्यू इनमें एक जैसी आई वो वाली टर्म बतानी है कौन सी होगी। तो इसका मतलब ये है कि वो मान लो एनवीं टर्म है दोनों टर्मों की, तो दोनों सीरीज की एनवीं टर्म है, तो इसका मतलब ए एन और ए डैश एन जो है वो बराबर हो जाएगा। ए एन हमने पहली वाली श्रेणी का लिया और ए डैश एन जो है दूसरी वाली एपी का लिया है। तो पहली वाली एपी को पहले सॉल्व करते हैं, इसमें ए जो है एक है, डी जो है सात में से एक या छः है, और इसका इसी तरह दूसरी वाली में जो ए डैश है इस वो 69 है यानी कि 69 है, और डी जो है डी डैश कह लो आप इसको, डी डैश जो है वो 68 में से 69 गए तो माइनस के 1 आ जाएगा। दोनों में फ़र्क करने के लिए डैश लगाना ज़रूरी है, तो इसमें जो है डैश लगा दीजिए, नहीं तो आप समझेंगे कि किसकी वैल्यू कहाँ लेनी है। तो इसका जो है देखिए ए एन के लिए वही फार्मूला लगे, ए की जगह 1 आ गया और डी की जगह 6 आ गया, तो ये हो गया 1 और 6 एन माइनस के 6, तो ये हो गया 6 एन माइनस के 5, तो ए एन की वैल्यू ये आ गई। और ए डैश जो है एन जो है वो कितना हो जाएगा, तो ए डैश प्लस में एन माइनस 1, एन क्योंकि दोनों में एक जैसा है इसके लिए इसके ऊपर डैश नहीं लगाना है क्योंकि पद समान होंगे, तो ये हो गया ए डैश कितना है 69 और डी जो है आपका माइनस के 1 है। तो इसको खोल लेंगे, देखिए 69 माइनस 1 से एन को करेंगे माइनस के एन और माइनस 1 को माइनस 1 से करेंगे प्लस के 1, तो ये हो गया आपका 70 माइनस एन। तो अब क्योंकि ए एन और ए डैश एन इक्वल हैं तो इसका मतलब 6n माइनस 5 जो है वो 70 माइनस n के इक्वल है। तो अब देखिए n को एक साइड ले लीजिए तो 6n माइनस 1 मिलके दूसरी साइड आके प्लस का n हो जाएगा, तो आपका 6n प्लस n और माइनस का 5 जो है राइट साइड में जाके प्लस का 5 हो जाएगा, तो ये 7n हो गया। 6n प्लस n कितने हो गए 7n और 70 प्लस 5 कितना हो गया 75। तो देखिए यहाँ n जो है आपके पास आया वो 75 बाई 7 आया, जो कि एक भिन्न है यानी कि एक फ्रैक्शन है। इसका मतलब n जो है क्योंकि एक होल नंबर नहीं आया, इसका मतलब ये इस टर्म का वैल्यू कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है जो कि समान है, यानी कि दोनों की कोई भी वैल्यू समान किसी भी पद पे नहीं आएगी, तो वो टर्म पॉसिबल ही नहीं है जहाँ वैल्यू एक जैसी आए। अब देखिए ये है कि इफ 8th टर्म ऑफ एन एपी इज 31 एंड द 15th टर्म इज 16 मोर द 11th टर्म फाइंड द एपी, यानी कि किसी समांतर श्रेणी की आठवीं जो टर्म है वो 31 है, यानी कि आठवें जो वो है वो 31 है और 15वीं टर्म से 16 ज्यादा वो है वो क्या कहते हैं द 15th टर्म इज 16 मोर देन द 11th टर्म, यानी कि 15वीं टर्म 11वीं टर्म से 16 ज्यादा है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, ए 15 बराबर है ए 11 जमा में 16, या ऐसे भी लिख सकते हैं ए 15 माइनस ए 11 बराबर है 16 के। तो ए 8 जो है 31 है, तो ए 8 का मतलब हो गया ए जमा 7 डी, वो 31 के बराबर हो गया और एक इक्वेशन ये बन गई। और यहाँ पर देखिए ए 15 क्या हो गया ए जमा में 14 डी और ये 16 हो गया, और 11 ए 11 क्या हो जाएगा ए में 10D, तो यहाँ पे इसको 10D लिख देंगे। तो यहाँ क्योंकि 11वीं टर्म है ना, तो एक कम होता है, तो A प्लस में जो है 10D यहाँ पे आ जाएगा, तो ये 10D लिख दिया मैंने। और जो है ये देखिए अब हमारे को इसमें A से A कट गया क्योंकि दोनों एक जैसे हैं, और 14D में से 10D गए तो ये दूसरी तरफ क्या हो गया 16, तो 4D जो है वो 16 के बराबर है, तो D कितना हो गया 4, यानी कि D की वैल्यू 4 है। तो हम जो है इस वैल्यू को
जो है समीकरण एक में रख दें तो हमारे पास ए की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि एपी निकालने के लिए हमारे को पहला पद पता होना चाहिए और सार्वंतर यानी कि कॉमन डिफरेंस भी पता होना चाहिए। तो कॉमन डिफरेंस तो पता लग गया, तो ए की वैल्यू निकालने के लिए हम इसको समीकरण एक में रख देंगे। तो डी की वैल्यू रख दी 4, तो 7 × 4 = 28 हो गया। वो जो है दाईं तरफ आगे यानी के राइट साइड आके माइनस का हो गया, तो 31 में से 28 गए तो बचे 3, यानी के पहली टर्म जो है 3 है। तो एपी क्या हुई, पहला 3 लिखेंगे और फिर उसमें 4 जोड़ते चले जाएंगे। 3 में 4 जोड़े कितने हो गए, 7, और 7 में 4 जोड़े 11। इस क्वेश्चन के अंदर जो है आपको एक अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन दे रखा है, जिसमें जो है 5, 15, 25 यानी कि 5, 15 और 25, और इसका जो वो टर्म निकालने हैं जो 31वें टर्म से 130 ज़्यादा हो। तो यहाँ देखिए ए जो है 5 है और डी जो है 10 है, और 31वें टर्म से 130 ज़्यादा वाली nth टर्म निकालनी है हमारे को। तो हमारे को n पता नहीं है, लेकिन 31वीं टर्म हमारे को ये पता है कि ये जो है उससे 130 ज़्यादा वाली टर्म है। तो इसके लिए आपको ये ज़रूरी नहीं है कि आप जो है n निकालें और इसका जो है एक लंबा प्रोसीजर करें। एक फार्मूला है कि an माइनस में 31 अगर आप करेंगे तो देखिए 30 का डिफरेंस आता है। तो ए एन माइनस ए एम का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है कि जो आपकी n में से 31 माइनस करके d से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 130 के इक्वल हो गया। तो इसमें जो है आपके पास d तो है ही, आपके पास 10 पता है कि d 10 दे रखा है, तो 10 से इसको काट देंगे तो आपके पास n माइनस 31 जो है वो कितना आ गया, 13। तो n कितना हो जाएगा, 13 और 31 यानी कि 44, यानी कि 44वीं टर्म जो है वो टर्म है जो कि 31 से 130 ज़्यादा है। तो हमारा आंसर आ गया। तो इतना लंबा किसी भी क्वेश्चन में पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिंपल तरीके से करना चाहिए। इस प्रश्न में दे रखा है एक सीक्वेंस दे रखी है जिसमें 20, 19 से 1/4, 18 से 1/2, 17 से 3/4 और ……। तो इसमें फर्स्ट नेगेटिव टर्म निकालनी है। देखिए ये एक डिक्रीजिंग सीरीज है यानी कि घटती हुई श्रेणी है, तो इसमें घटते घटते कोई ना कोई ऐसी टर्म आएगी जो कि क्या होगी, 0 से कम हो जाएगी यानी कि नेगेटिव हो जाएगी। तो वो पहली टर्म हमारे को निकालनी है। तो इसमें ए जो है 20 है और डी जो है 19 से 1/4 में से 20 कम करेंगे तो हमारे पास जो है 19 and 1/4 जो है वो 77/4 हो गया, और उसमें से 20 माइनस करेंगे तो 77 − 80/4 यानी कि −3/4 आ गया। तो हमारे को जो है ये डी जो है हमारे को पता लग गया। लेकिन अगर फर्स्ट नेगेटिव टर्म के लिए क्या होगा कि ए एन जो आएगा वो लेस देन 0 होगा यानी कि 0 से कम होगा, तो 0 से कम वाली कंडीशन हम यहाँ पे लगाएंगे। तो ए एन जो है वो क्या है, 0 से कम है क्योंकि वो नेगेटिव है। तो ए जो है वो हो गया ए प्लस में एन माइनस वन डी, ए एन की वैल्यू जो है फार्मूले वाली वो यहाँ पे रख दी। तो ए की वैल्यू 20 है और डी की वैल्यू −3/4 है जो कि लेस देन 0 है। तो अब देखिए आपके पास जो ये आ गया कि आप दूसरी साइड जो है 20 को ले जाएंगे तो आपके पास ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो माइनस के 3/4 जो हैं वो आपके ये हो गए, दूसरी साइड जाके प्लस के 3/4 हो जाएंगे और n माइनस 1 हो गया। तो b जो है वो इधर इसी साइड रख दिया हमने, अब तो लेस देन का निशान लगा रहेगा। तो आप देखिए इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो n माइनस 1 जो है वो कितना हो जाएगा, 20 × 4 यानी कि 80, और 3 जो है नीचे चला जाएगा, ऊपर वाला नीचे और नीचे वाला ऊपर। तो इसका मतलब n माइनस 1 जो है 80/3 से बड़ा है। अब देखिए माइनस 1 है, n माइनस 1 है जो कि 80/3 से बड़ा है, तो इसका मतलब 1 को दूसरी तरफ ऐड कर देंगे तो n जो होगा 83/3 से बड़ा होगा। तो n जो है 83/3 से बड़ा होने का मतलब है अब संख्या यानी कि पहली जो नेगेटिव नंबर है वो 83/3 से बड़ा कोई नंबर होगा। तो क्योंकि जो टर्म है वो होल नंबर में ही आने चाहिए, तो इसीलिए जो है हमारा को होल नंबर ही एक लेना है, और 83/3 होल नंबर नहीं है तो उसका नियरेस्ट जो नेक्स्ट नंबर है होल नंबर है वो लेंगे। तो 83/3 की जो अगर आप हम इसको मिश्र भिन्न में बदलते हैं यानी कि मिक्स्ड फ्रैक्शन में बदलते हैं तो 27 and 2/3 आता है। तो इसकी नेक्स्ट टर्म जो होगी वो कितनी होगी, 8
28 होगी, तो इसका मतलब पहली नेगेटिव टर्म जो है वो कितनी है 28, तो 28वीं टर्म जो है पहली ऋणात्मक पद होगा, तो इसका जो है हमारे उसके बाद की भी सारी जो है नेगेटिव होंगी, लेकिन 28 जो है पहली टर्म होगी जो कि हमें चाहिए थी। अब देखिए इस प्रश्न में कहा है कि इफ 5 टाइम्स ऑफ फिफ्थ टर्म ऑफ एन एपी इज इक्वल टू 8 टाइम्स इट्स 8th टर्म शो दैट 13th टर्म इज जीरो, यानी कि किसी श्रेणी के समांतर श्रेणी की पांचवें टर्म का 5 गुना 8वें टर्म के 8 गुने के बराबर है, तो शो करो कि 13वीं टर्म जो है वो जीरो होगी। यहाँ देखिए 5 और 8, पांचवीं टर्म और 8वीं टर्म है, तो 5 और 8 13 होते हैं, यानी कि सम इनका 13 आता है, तो ये जीरो आता है। तो आप इसको ऐसे भी समझ लीजिए कि अगर कोई किसी भी nth टर्म को n से और mth टर्म को m से करा जाए तो उनका जो है जोड़ जो है उनके जोड़ के बराबर वाला टर्म जो होगी वो जीरो होगी। तो हम जो है इसके बाद में इस पे बात करेंगे। तो a 5 क्या हो गया आपका a प्लस 4d और a 8 हो गया a प्लस 7d, इनको 5 और 8 से जो है मल्टीप्लाई कर दिया और खोला, तो 5a प्लस 20d इक्वल टू 8d 8a प्लस 56d हो गया। तो आप जो है a को एक साइड ले जाइए, तो 8a में से 5a गए तो बचे 3a और 20d में से 56d गए तो बचे माइनस के 36d। तो इसका मतलब जो a है वो माइनस के 12d के इक्वल हो गया। अब आपको 12th आप तो चाहे तो इसको माइनस के 12d को दूसरी तरफ ले जाएं तो ये 13 इज इक्वल टू जीरो अपने आप ही आ जाएगा, a प्लस 12d इज इक्वल टू जीरो, या आप फार्मूला ये 13 रख के a प्लस 12d हो गया और a की वैल्यू रख दी तो माइनस d, तो माइनस 12d प्लस 12d जीरो हो गया। अब देखिए इसमें कह रहा है कि इफ द mth टर्म ऑफ एन ए पी इज 1/n और nth टर्म इज 1/m तो शो दैट mnth टर्म इज 1, यानी कि किसी समांतर श्रेणी की mवें पद जो है mवां पद जो है वो 1/n है और nवां पद 1/m है, तो शो करो कि nवां पद जो है 1 होगा। तो am जो है यहाँ पे a प्लस m माइनस 1d 1/n के बराबर है और an जो है a प्लस n माइनस 1d जो है 1/m के बराबर है। तो इन दोनों को सरल करने के लिए रैखिक समीकरण की तरह यानी कि लीनियर इक्वेशन की तरह इसको हल करेंगे, तो a से a कट गया और ये जो है d कॉमन लेने पर m माइनस 1 n माइनस n प्लस 1 आ गया और d बार ब्रैकेट के है और ये दूसरी साइड 1 अपॉन में n माइनस में 1 अपॉन में m हो गया। तो देखिए ये 1 से 1 कैंसिल हो गया तो m माइनस n d जो है ये हमारे पास बचा और दूसरी तरफ mn LCM लेने पर m माइनस n आ जाता है। तो m माइनस n क्योंकि दोनों ऊपर की साइड है तो कैंसिल हो जाएंगे तो d क्या आ गया 1 अपॉन में mn। अब हमारे को a भी निकालना है तो किसी भी एक इक्वेशन के अंदर चाहे फर्स्ट वाली में या सेकंड वाली में d की वैल्यू रख के हम इसको निकालते हैं। तो हाँ तो इसमें जो है m माइनस 1 के d की जो वैल्यू फर्स्ट वाले में रखेंगे तो हमारे पास आगे देखो m से मल्टीप्लाई करेंगे तो m इंटू में 1 अपॉन में mn और माइनस में 1 अपॉन में mn इक्वल टू 1 अपॉन में n, तो ये m से m कट गया 1 अपॉन n आ गया। तो 1 अपॉन n जो दूसरी साइड वाले 1 अपॉन n से कट जाएगा और जो है a हमारे पास आ जाएगा वो किसके इक्वल होगा 1 अपॉन में mn के। तो a जो है 1 अपॉन mn के इक्वल है, यानी कि d भी 1 अपॉन में mn है और a भी 1 अपॉन में mn है। तो इस तरह से हमारे पास दोनों वैल्यू आ गई। तो अब हम amn निकालेंगे तो यहाँ n की जगह mn लिख देंगे और a और d तो हमारे को अननोन है नहीं है। अब हमारे पास उनकी वैल्यू है, a की वैल्यू 1 अपॉन में mn और d की वैल्यू है 1 अपॉन में mn। तो हम जो है इसको खोलते हैं तो 1 अपॉन में mn और जो दूसरे वाले को ब्रैकेट को दोनों में कॉमन ले लिया तो बचा हमारे पास 1 प्लस mn माइनस 1। तो देखिए 1 से 1 कट गया तो ये हो गया 1 अपॉन में mn इंटू में mn, तो mn कट गए तो 1 आ गया। तो इसका मतलब mnth टर्म 1 के इक्वल है। अब देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि द pth टर्म ऑफ एन ए पी इज q एंड qth टर्म इज p, प्रूव दैट द nth टर्म इज p प्लस q माइनस n, यानी कि किसी श्रेणी की pवीं टर्म जो है q है और qवीं टर्म जो है p है, तो आप बताओ nth टर्म जो है p प्लस q माइनस n है। ये एक बहुत बढ़िया थ्योरम है और शॉर्टकट के लिए भी इस्तेमाल की जा सकती है कि आपको दो टर्म्स दे रखी हैं किसी भी श्रेणी की और आपसे तीसरी टर्म पूछी जाती है तो आपको कुछ नहीं करना है, बस उसको पहले दी हुई दोनों को टर्म्स के नंबर को जोड़ के उसमें से जो टर्म पूछी गई है उसको माइनस कर देना है।
करते हैं, लेकिन अब यहाँ पे हम इसको प्रूव करते हैं। देखिए एपी आपको क्यू दे रखा है, एक्यूपी दे रखा है, तो और हमारे को प्रूव करना है कि एन जो है पी प्लस क्यू माइनस एन है। तो एपी जो क्या होगा, ए प्लस पी माइनस वन डी इक्वल टू क्यू, और इसको खोलेंगे तो ए इज इक्वल टू पी डी माइनस क्यू माइनस डी इज इक्वल टू क्यू हो जाएगा, और ए क्यू जो है ए प्लस क्यू माइनस वन डी इक्वल टू पी हो जाएगा। दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्यू माइनस पी डी जो है वो पी माइनस क्यू के बराबर हो जाएगा। तो डी जो है इस तरह से क्या आ गया, माइनस का वन। तो हमारे पास कॉमन डिफरेंस माइनस वन आ गया। अब हम किसी भी एक में जैसे सेकंड वाली के अंदर जो है रख के इसको निकाल रहे हैं, माइनस डी की वैल्यू ए की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। तो ये हो गया ए प्लस में माइनस के वन से क्यू को करेंगे तो ये जो है हमारे पास माइनस का क्यू आएगा और माइनस माइनस प्लस के वन हो जाएंगे इक्वल टू पी आई। तो हमारे पास ए जो आया वो पी प्लस क्यू माइनस वन आ गया। अब हमारे को क्योंकि nth टर्म निकालनी है तो nth टर्म का फार्मूला, जनरल फार्मूला है वो लिख दिया हमने, और जो है दोनों a और d की वैल्यू इसमें पुट कर दी। तो a हो गया p प्लस क्यू माइनस वन और n माइनस वन, और d क्या है माइनस के वन, तो d माइनस वन हो गया। तो ये हो गया p प्लस क्यू माइनस वन माइनस n प्लस के वन। तो ये देखिए वन से वन कट गया, तो हमारे पास क्या आ गया पी प्लस क्यू माइनस एन। ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम की तरह आप इसको यूज कर सकते हो और बहुत सारे क्वेश्चन सिंपली कर सकते हो। इन इफ एम टाइम्स ऑफ एमथ टर्म ऑफ एन ए पी इज इक्वल टू एनथ टाइम्स ऑफ एनथ टर्म, शो दैट द एम प्लस एनथ टर्म ऑफ ए पी इज जीरो। यानी कि किसी ए पी की एम वी टर्म का एम गुणा एन वी टर्म के एन गुणे के बराबर है, तो उनके एम प्लस एन के जोड़ के बराबर जो टर्म होगी वो जीरो होगी। इसके बारे में मैं आपसे पहले भी चर्चा कर चुका हूँ, यह भी बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम की तरह है। तो इसको शॉर्ट में कोई क्वेश्चन करना हो तो सेकंड टर्म में आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो यहाँ देखिए वो कह रहा है एम ए एम जो है वो एन ए एन के बराबर है, तो हम जो है ए एम की टर्म ए प्लस एम माइनस वन डी को एम से मल्टीप्लाई कर दिया, और ए एन की वैल्यू ए प्लस एन माइनस वन डी को एन से मल्टीप्लाई कर दिया, और इसको खोल लेते हैं तो ए एम आ जाएगा, और दूसरे एम माइनस वन डी से मल्टीप्लाई करेंगे तो एम स्क्वायर डी माइनस में एम डी, और ये हो जाएगा एन ए प्लस में एन स्क्वायर डी माइनस में एन डी। तो यहाँ देखिए अब हम ए को एक साइड, ए एम और ए एन को एक साइड ले गए, तो ये हो गया ए एम माइनस में ए एन, और दूसरा ये है प्लस इक्वल टू, यहाँ पर देख प्लस का निशान ये जो है एम स्क्वायर डी जो है आपके पास है, और एन स्क्वायर डी को इधर ले जाएंगे लेफ्ट साइड में तो माइनस का हो जाएगा, और ये जो है आपके पास एम डी जो है पहले से माइनस का है, माइनस के एम डी, और एन डी को लेफ्ट में ले जाएंगे तो वो प्लस के एन डी हो जाएंगे, तो प्लस के एन डी हैं। तो आप देखिए इसमें से पहले दो टर्म में से अगर हम ए कॉमन लेते हैं तो एम माइनस एन, और ये ब्रैकेट के बाहर ए आ गया, और दूसरी दो टर्मों में से डी कॉमन लेंगे तो एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर बाहर कॉमन डी आ गया, और लास्ट वाली दो टर्मों में से d कॉमन लेंगे माइनस बाहर रखते हुए तो m माइनस n, और ये d आ गया। तो अब आपके देखिए इन अभी आपके पास जो है इन सभी टर्मों में m माइनस एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर क्या होता है m माइनस n इंटू में m प्लस वन, यानी कि सभी टर्मों में से m माइनस n जो है कॉमन निकल रहा है, तो हमारे पास ये बच गया a, और यहाँ पे एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर का एम माइनस एन कॉमन ले लिया तो बचा क्या एम प्लस एन, और ये डी आ गया, और माइनस में वन आ गया, मतलब जो है आपका माइनस के डी हो गए। अब देखिए ये जो बाद में एम माइनस एन जो है वो बाहर रह गया, और डी दो है इन दोनों में से कॉमन ले लिया तो एम प्लस एन माइनस वन डी हो गया। तो m माइनस एन तो जीरो के बराबर हो नहीं सकता है, इसका मतलब m बराबर n हो जाएंगे, फिर तो कोई क्वेश्चन का मतलब ही नहीं रह जाता। तो a जो है वो क्या होगा m प्लस एन माइनस वन डी इक्वल टू जीरो, और ये क्या है m प्लस एन टर्म्स का m भी टर्म a प्लस m भी टर्म है, तो वो क्या होगी जीरो के बराबर होगी। अब ये लास्ट क्वेश्चन है, इसमें कहता है कि अगर किसी ए पी की पीवी क्यूवी और आर्मी टर्म जो है वो क्रमशः ए बी सी हो तो शो करो कि ए क्यू माइनस आर बी आर माइनस पी सी पी माइनस क्यू जो है वो जीरो के इक्वल है। तो इसमें
यानी कि पीएथ टर्म, क्यूएथ टर्म, आरएथ टर्म निकालनी है आपको, वो जो है पीएथ टर्म ए के बराबर है, बी क्यूएथ टर्म बी के बराबर है और आरएथ टर्म जो है सी के बराबर है। तो इसको जो है एक साइक्लिक बना के आपको दिखाना है कि ये जीरो के इक्वल होता है। तो एपी जो है, अगर इसमें ए जो है फर्स्ट टर्म को हम स्मॉल ए नहीं रख सकते क्योंकि स्मॉल ए तो पूरी टर्म की वैल्यू दे रखी है, इसीलिए हम इसको कैपिटल ए लिख रहे हैं ताकि उनको अलग किया दिखाया जा सके। और डी को भी चाहें तो आप कैपिटल डी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ स्मॉल डी ही यूज़ कर लिया क्योंकि डी कहीं और यूज़ नहीं हो रहा है, इसलिए मैंने स्मॉल ही कर लिया। वैसे आप डी कैपिटल में भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए ये हो गया, तीनों के अलग अलग वैल्यू आ गई, पी के लिए ए पी की वैल्यू आ गई, ए क्यू की वैल्यू आ गई और ए आर की वैल्यू आ गई। अब आपको करना क्या है कि पहले जो है, क्योंकि आपको चाहिए पी माइनस क्यू, तो पी माइनस क्यू के लिए जो है आप पहले में से दूसरी वाली इक्वेशन को माइनस कर दीजिए। तो ए से कट गया और ये पी माइनस क्यू ब्रैकेट के बाद डी और ये ए माइनस बी हो गया। तो ये आपके पास जो है एक आ गया कि p माइनस क्यू जो है वो आपका किसके बराबर है, a माइनस बी अपॉन में d के बराबर। तो ये आपके पास एक वैल्यू आ गई। तो अब दूसरे में क्या करना है, अब आपको चाहिए जैसे q माइनस आर, तो आप सेकंड में से थर्ड को माइनस कर दीजिए। तो सेकंड में से थर्ड को माइनस करेंगे तो सब्ट्रैक्ट करने पे a से a कट जाएगा और आपके पास आ जाएगा q माइनस आर डी और क्या आ गया, b माइनस सी। तो आपके पास d जो है वो आ गया b माइनस सी, d जो है आपका क्या हो गया q माइनस आर जो है वो हो गया b माइनस सी अपॉन में d। तो ये सेकंड आपके पास आ गया। अब आपको जो है थर्ड में एक आपके पास q माइनस आर भी आ गया और p माइनस क्यू भी आ गया, r माइनस p बचा है। तो आप थर्ड में से फर्स्ट वाली इक्वेशन को माइनस कर दीजिए तो देखिए आपके पास वो भी आ जाएगा। तो आप ऐसे देखिए ये कट गया तो r माइनस p और कॉम आर डी है और सी माइनस ए हो गया। इसका मतलब r माइनस p जो है आपका वो सी माइनस ए अपॉन में डी के इक्वल हो गया। अब आपके पास जो लेफ्ट हैंड साइड है उसको लिख लीजिए और उसके अंदर जो जो वैल्यू अभी आपने निकाली हैं वो सारी जो है हम रख देंगे तो हमारे पास उसका रिजल्ट जो है आ जाएगा। तो आपके पास इसमें अब आपको लगता है कि ये बिल्कुल ही आसान हो गया। देखिए यहाँ पे q माइनस आर की वैल्यू यहाँ से उठा के रख दी, b माइनस सी अपॉन में डी, और दूसरे वाले में r माइनस पी की वैल्यू रख देंगे तो वो क्या है, c माइनस ए अपॉन में डी, और तीसरे में p माइनस क्यू की वैल्यू रख देंगे जो कि क्या है, a माइनस बी के अपॉन में डी के बराबर। तो अब आप इसको सॉल्व कीजिए, देखिए ये हो गया ए बी माइनस ए सी और डी जो है सब में एलसीएम ऐसे का ऐसे ही रहेगा, ये हो गया बी सी और माइनस में ए बी अपॉन में डी और ये हो गया आपका ए सी माइनस बी सी अपॉन में डी। डी एलसीएम ले लीजिए तो ये ऊपर वाले जो हैं सारे आपके, देखिए एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव आ रहे हैं तो आपस में एक दूसरे से कट जाएंगे और जो है न्यूमरेटर जो है आपका क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि ए बी प्लस में भी और माइनस में भी, बी सी प्लस में भी और माइनस में भी, ए सी प्लस में भी है तो माइनस में भी, ये सारे कट गए तो आपका न्यूमरेटर जो है जीरो आ गया। तो जीरो अपॉन में डी जो है किसके इक्वल है, जीरो के, यानी कि आपका ये आर एच एस एल एच एस के बराबर हो गया। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा देखने के लिए धन्यवाद। पसंद आए तो लाइक कीजिए, अपने सारे साथियों दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर कीजिए और मेरे चैनल द मैथ्स गुरु को सब लाल बटन दबा के सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि नए नए वीडियो आपके पास आते रहें। धन्यवाद।